तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्या पांच चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी म्यूजिक सीखने वाले बच्चे को, स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलत चीज़ें कर देते हैं, उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है हमें पता लगता है कि ये रिजल्ट कैसे आया। हमें लगता है कि ये रिजल्ट तो आने नहीं चाहिए था, मैंने तो ये चीज़ें की थी लेकिन तब भी ऐसा गलत रिजल्ट आया। तो आइए हम जानते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए किसी भी म्यूजिक सीखने वाले बच्चे को। ठीक है, तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है सीखने की जल्दी। हम सीखने की जल्दी मचाए रखते हैं हमेशा कि कैसे होगा, कि मुझे अभी से ही बहुत सारे राग करने हैं या सारे अलंकार मैं एक ही दिन में कर लूँ या कुछ महीने में ही मैं सीख जाऊँगा। आपने भी देखा होगा कि आप अगर सिखाते हो या सीखते हो तो आपने भी देखा होगा आपके माइंड में क्वेश्चन आता है जब भी आप कहीं सीखने जाते हो कि कितना टाइम लगेगा। आप उन टीचर से, जो भी गुरु होते हैं, आप उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछते हो कि कितना समय लगेगा मुझे सीखने में। तो अब आपको बताते हैं कि बेसिक या तो 6 महीने या तो 1 साल आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ बेसिक चीज़ें मालूम पड़ेंगी म्यूज़िक की। ठीक है, तो कभी भी आपको सीखने की जल्दी नहीं मचानी है। अगर आप इस चीज़ में आ रहे हो तो समझो आपको टाइम देना ही पड़ेगा, कम से कम 5 साल, 6 साल, 4 साल आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपको म्यूज़िक की डीपनेस पता चलेगी। तब जाके आपके माइंड से ये क्वेश्चन पूरी तरह से निकल पाएगा कि हाँ ठीक है, अब मुझे पता है मैं किस लेवल पे हूँ, मुझे किस चीज़ में मैं अच्छा हूँ और किस चीज़ मेरे, कौन सी चीज़ मेरे लिए ख़राब है तो मैं उनको अच्छा कर सकता हूँ। इन्हीं चीज़ को सीखने में टाइम लगता है कि कौन सी चीज़ मेरी अच्छी साइड है, कौन सी मेरी बुरी साइड है, और हमें दोनों चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करना, अच्छी साइड को भी नेगलेक्ट नहीं करना और बुरी साइड को भी नेगलेक्ट नहीं करना। तो आपको ये माइंड में क्वेश्चन आए तो आपको देखना है कि मैं क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया क्यों है। ठीक है, क्योंकि जब हम सीखने जाते हैं हमें स्टार्टिंग में कोई ज्ञान नहीं होता, तो हमें बताएगा कौन? टीचर। लेकिन टीचर, कोई भी टीचर आपको शांति से ऐसे समझा नहीं सकते कि हाँ आप इन चीज़ों के बारे में मत सोचो, वो डायरेक्टली आपको बोल देंगे कि आप ऐसे मत सोचो। बल्कि कई टीचर तो मैंने देखा है कि मना भी कर देते हैं इस चीज़ को लेके कि वो बंदा ऐसा क्वेश्चन कर रहा था तो उन्होंने उसको मना कर दिया कि हम आपको नहीं सिखा सकते। ठीक है, तो बड़े बड़े घराने में सिखाते हैं लोग, वो ऐसी चीज़ें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ आप ऐसे फालतू के क्वेश्चन पूछोगे और वो जवाब देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको रियलाइज़ करनी होगी, आपको सर्च करना होगा कि क्यों मेरे मन में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, जब आप उसको सर्च करोगे आपको पता चलेगा क्योंकि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है इसलिए मेरे माइंड में कुछ भी क्वेश्चन उभर रहे हैं। तो ऑब्वियस आप कहाँ पे देखोगे? आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, आप यूट्यूब पे किसी की भी वीडियो देखोगे, फिर उससे सर्च करोगे, देखोगे। तो बहुत से लोग बल्कि ये सिखाते हैं, बहुत सारे लोग बल्कि ये सिखाने में लग रहे हैं कि भाई आपको क्वेश्चन ये वाला तो माइंड में रखना ही नहीं है, सीखने की जल्दी आपको मचानी नहीं है। ठीक है, आप बेशक कहीं पर चले गए, ये ज्वाइन से पहले की बात है और आफ्टर ज्वाइनिंग भी मैं बात कर रहा हूँ कि बेशक आप कहीं सीखने चले जाओ, ये क्वेश्चन आप अपने टीचर से ठीक है एक बार पूछ लो, लेकिन बार बार उनको इस चीज़ के लिए पिंच मत करो कि सर कितना टाइम लगेगा, सर मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि उनके मन में फालतू के क्वेश्चन आते हैं जो करंटली उनका टॉपिक चल रहा होता है, जो करंटली जिस पे उन्हें फोकस करना चाहिए उस पर उनका फोकस नहीं होता। उनका फोकस कहाँ पर होता है? मेरे से ये चीज़ नहीं हो रही, मेरे से ये कब होगा, ये कब होगा। तो फालतू के क्वेश्चन उनके माइंड में आते रहते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना कभी भी नहीं करनी है। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो है मुश्किल चीज़ों को जल्दी करना, ये भी थोड़ा सा मिलता जुलता है जल्दी मचाने से। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है वो बड़ा ख्याल या ध्रुपद या धमार गाने की अभी से कोशिश करते हैं, उनको 1-1.5 साल होता है सीखते हुए और वो चाहते हैं कि हाँ मैं अभी से ही गाने लगूं ध्रुपद और धमार। खरज का रियाज आपने किया होगा, आपको एक ठहर के गाना आएगा, आपने धीरे अलंकारों की प्रैक्टिस की होगी, ठीक है विलंबित में प्रैक्टिस की होगी, तो तभी आपको ये चीज़ें आएंगी। एकदम से आप किसी भी मुश्किल टॉपिक पे जंप मत करो, किसी भी बड़े ख्याल या किसी भी मुश्किल से राग पे जाओ मत आप। ठीक है, तो आप कभी भी ये मत सोचो कि मैं अभी तो ये तो कर रहा हूँ, मेरे से इस इतने इतने सुर लग रहे हैं और उस राग में तो ये सुर है ही, तो मुझे उस राग को भी कर लेना चाहिए। ठीक है, जबकि उस राग में जो गायन प्रक्रिया है, जिस तरीके से उस राग का चलन है, हो सकता है आपके अलंकार का चलन बहुत ही नॉर्मल हो, बहुत ही सिंपल हो, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि मुझे एकदम से मुश्किल चीज़ों पे जंप नहीं करना। जो आपके पास अभी, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया, जो चीज़ आपके पास अभी चल रही है आप पहले उस पर फोकस करो, उसके बाद उन मुश्किल चीज़ों पे फोकस आपका अपने आप हो जाएगा। बल्कि जो मैं बोल रहा हूँ ना मुश्किल, ये वर्ड आपके दिमाग से उस टाइम पे निकल ही जाएगा, आपको लगेगा कि ये तो नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि आपने अलंकारों की प्रैक्टिस, आपने खरज की प्रैक्टिस इस तरीके से की है कि आपको वो चीज़ें मुश्किल नहीं लग रही हैं। लेकिन अभी अगर आप कोशिश करोगे कि हाँ मैं
किसी भी ध्रुपद को, या कोई भी एकदम क्लासिकल गाना है, या कोई ठुमरी है, या कोई भी गज़ल है जो बहुत ही जिसमें अलाप तान लिए गए हैं, आप उनको गाने की कोशिश करोगे तो चांसेस हैं कि आपको वो मुश्किल लगेगा और आप कर नहीं पाओगे। फिर आपके माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ मैं इसको नहीं कर सकता, और जब आपका करने का टाइम आएगा उस चीज़ को, 1 साल बाद या 1.5 साल या 2 साल बाद, तब आपको वो चीज़, क्योंकि आपके माइंड में पहले से ही बैठा हुआ है कि हाँ वो चीज़ तो मुश्किल है, मेरे से कैसे होगी, तब बल्कि चांसेस हैं कि आपसे वो चीज़ बहुत ही टाइम ले, बहुत लंबा टाइम ले। तो इसलिए कभी भी मुश्किल चीज़ों पे इंस्टेंटली मत कूदो। आपके पास एक एक सीढ़ी करके आ रही है, एक एक सीढ़ी चलो, सीधे 10वें या 50वें सीढ़ी पे मत कूदो। थर्ड पॉइंट इसमें सबसे बड़ा आता है टीचर की बात ना मानना। जो भी आपके गुरु हैं, जिनसे भी आप सीख रहे हो, आप उनकी बात मानो, चाहे वो कुछ भी कह रहे हैं उनकी बात मानो। कोई भी टीचर, मैक्सिमम टीचर आपको गलत नहीं बताएंगे। हाँ, मुझे भी पता है कि आज के टाइम में सब बिजनेस, म्यूजिक में बिजनेस करते हैं, लेकिन कोई भी टीचर आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देगा। इवन आप मेरी बात ना माने तो आप अरिजीत सिंह का भी एक इंटरव्यू देख सकते हैं, उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि ब्लाइंडली अपने गुरुजी को फॉलो करो, जो भी वो बताते हैं, क्योंकि वो आप मैक्सिमम कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हाँ मैं इनको बांध के रखूँ, ठीक है, कोई भी आपके 2-4 हज़ार रुपये से अपनी लाइफ नहीं काट लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि अपने टीचर को फॉलो करना है। हाँ, वो चीज़ भी आपको रियलाइज़ करनी है कि जो वो बता रहे हैं सही है। अब जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी टीचर ने आपको 3 या 4 अलंकार में पूरे साल लटकाए रखा, ठीक है, मैं मानता हूँ, तो तब आप समझ सकते हो कि हाँ ये जो टीचर मुझे सिखा रहे हैं, या तो ये सिखाना नहीं चाहते हैं, या तो मुझे बताना नहीं चाहते हैं, तो कुछ गलत चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। मैं किसी भी टीचर को वो डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे टीचर भी होते हैं जो कि बहुत तरीके से हेल्प भी करते हैं, तो आपको वो चीज़ पहचाननी है खुद से, ठीक है। तो आप उस केस में तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, तो आपको दिख ही जाएगा, समझ ही आ जाएगा कि हाँ ये जो टीचर है मुझे नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है, अपने टीचर को फॉलो करें, जो भी वो बता रहे हैं कि हाँ अब इस अलंकार की प्रैक्टिस करो, अब इस तरीके से रियाज करो, इस समय रियाज करो, या अपना जो रियाज का समय है उसको बढ़ाओ, आप कितने ड्यूरेशन का रियाज करते हो उसको बढ़ाओ, ठीक है। तो आपको अपने टीचर पे ट्रस्ट करना होगा, आपको उनकी बातें सुननी होगी। हाँ, ये नहीं कहता मैं आपकी उनके अलावा किसी की मत सुनो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी जहाँ सीखता हूँ, मैं भी कई बार YouTube पे देखता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने टीचर को छोड़ के मैं सिर्फ YouTube पे ही देख रहा हूँ, ठीक है। आप सोर्स से, अच्छे सोर्स से, आप और भी सोर्सेज से सीख सकते हो, YouTube पे सीख सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं से भी सीख सकते हो, लेकिन अपने टीचर पे जो ट्रस्ट है वो आप बनाए रखो, ठीक है। और प्लस उनसे आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, हाँ वो क्वेश्चन अगर आपके करंट टॉपिक से रिलेट करता है तो आप उनसे ज़रूर पूछो, किसी भी गाने का कुछ भी है तो आप उनसे ज़रूर पूछो, लेकिन कभी भी उनसे कुछ फालतू क्वेश्चन मत पूछो, और अपने ऐसा मत करो कि मेरे टीचर तो ये बताते ही नहीं, क्योंकि सबका सिखाने का तरीका अलग होता है। क्योंकि जैसे मान लो आपके 3 या 4 दोस्त साथ में बैठे, अब कोई टीचर कैसे सिखाते हैं, कोई कैसे सिखाते हैं, सबका एक क्राइटेरिया होता है सिखाने का। अब आप किसी को ही नहीं बोल सकते कि वो कैसे सिखा रहे हैं, वो अभी अलंकार करा रहे हैं, वो ये राग कराते नहीं, वो बहुत ही वो तानों को ज़्यादा कराते हैं, वो अलाप तान कराते हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। अल्टीमेट गोल सबका वही है कि सबको क्लासिकल की तरफ जाना है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको घुमाए रखेगा, आपको फालतू की चीज़ों में अटकाए रखेगा, किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने टीचर पे ट्रस्ट करना है, उनकी बातों को सुनना है, क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर जहाँ पे 4 टीचर, जैसे मान लीजिए स्कूल में आपने देखा होगा, कई बार होता है कि बच्चों को कोई भी टीचर नहीं पसंद आता, कई बार होता है बच्चों को एक ही टीचर पसंद आता है और वही टीचर किसी को नहीं पसंद आ रहा, किसी को वही टीचर पसंद आ रहा है। तो क्या है ये हमारी पर्सनल चॉइस है, हमने एक इमेज बना ली होती है अपने माइंड में कि हाँ जो टीचर सिखा रहे हैं मेरे हिसाब से ये सही है। क्यों? क्योंकि जिन चीज़ों में मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, अगर वो टीचर सिखा रहे हैं मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, तो मुझे वो टीचर अच्छा लगेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि सबका क्राइटेरिया सिखाने का अलग होता है, हर कोई एक तरीके से नहीं सिखाएगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ मेरे वो टीचर हैं ऐसे सिखा रहे हैं और ये टीचर तो ऐसे नहीं कर रहे, मैंने वहाँ पे सीखा था वहाँ पे तो ऐसा नहीं होता था, यहाँ पे तो ऐसा होता है, वहाँ पे तो मेरे यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता, वहाँ पे तो ऐसा होता है। तो ये चीज़ में आपको उलझना ही नहीं है। अगर आप इन चीज़ों में उलझे रहोगे तो आप हमेशा जहाँ भी सीखने जाओगे आप सबको कोसते ही रहोगे, बल्कि क्योंकि वहाँ पे आपको ये नहीं पता चलेगा गलती मेरी है कि मैं सबको जज कर रहा हूँ। आपको जज नहीं करना, आपको सीखने जाना है बस, ठीक है। फिर है 4th पॉइंट, सही समय पर रियाज न करना। कई लोगों को देखा गया है कि वो सही समय पर रियाज नहीं करते हैं, करते हैं तो वो सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट करते हैं या नहीं करते हैं, बीच में स्किप कर देते हैं। उससे क्या होता है, आप एक एक स्टेज पीछे आ जाते हो। अगर आप यहाँ तक गए हो ना तो धीरे धीरे आप नीचे आने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपने रियाज नहीं किया। आपने मान लीजिए कोई अलंकार किया,
एक ही अलंकार को आपने 2-3 दिन तक किया, उससे आपका गला मान लीजिए यहाँ तक आया, अब आपने उसको स्किप कर दिया तो सिंपल सी बात है नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रियाज तो हुआ ही नहीं है। गले में जो वो वाइब्रेशन आनी थी, जो वाइब्रेशन आ रही थी उन अलंकारों को करने से, वो तो ऊपर जानी चाहिए थी, और लेकिन आपने किया नहीं तो वाइब्रेशन तो है ही नहीं, वो वाइब्रेशन तो वो नीचे आ जाएगा, तो आपका गला फिर से धीरे धीरे नॉर्मल जगह पे आने लगेगा। तो आपको उस चीज़ को रेगुलरली मेंटेन करना है, ठीक है, आपको उसमें गैप नहीं डालना। अगर आपने गैप दे दिया तो फिर वो आपकी एक आदत बन जाएगी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को भी देखना है कि बेशक आप बजाओ या तो आप गाओ, तो आपको करना है रियाज। चाहे आप कोई गाना इस पर निकालने लगो हारमोनियम पे, चाहे आप कोई राग गाओ, चाहे अलंकार गाओ, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। और रियाज को आपने ढंग से करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कभी राग गा दिया और अलंकार गा दिया, वो तो आपके टीचर आपको बेहतर बता सकेंगे कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, लेकिन एक जो सिस्टमेटिक रियाज होता है वो आपको ढंग से करना होगा। ऐसा नहीं कि आप सबसे मुश्किल चीज़ को सबसे फर्स्ट में कर रहे हैं फिर धीरे 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 ऐसे कर रहे हैं, तो आपको नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे आके नहीं आपको रियाज करना है। तो लास्ट है 5th पॉइंट, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है सबकी, ये तो हर फील्ड में प्रॉब्लम है, जो हम देखा देखी करते हैं। हम जो कंपटीशन लगाने की कोशिश करते हैं, कि वो जो लड़का है वो तो बहुत ही ऊपर गा रहा है, या इंडियन आइडल में सलमान अली आया था वो तो बहुत ही, उसकी तो वोकल रेंज बहुत ही ज़्यादा हाई है। ऐसी बात नहीं है, आप मास्टर सलीम को देख सकते हैं, आप जगजीत सिंह जी को देख सकते हैं। जगजीत सिंह के ज़्यादातर सॉन्ग नीचे ही थे, ठीक है, वो बहुत ही कम सॉन्ग थे जो ऊपर भी गए थे उनके गज़लें। और आप मास्टर सलीम को देख सकते हैं कि बहुत ही ऊपर ऊपर तक वो गाते हैं, नीचे के नहीं गाते। कैलाश खेर को आप देख सकते हैं, वो भी ऊपर के गाते हैं, नीचे नहीं गा सकते। तो सबकी एक अपनी एक वर्सटैलिटी होती है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नीचे तो आप गा रहे हो आप ऊपर नहीं गा पा रहे हो, वो उतने ही जोन में परफेक्ट हैं, उनका वो जोन नहीं है, वो उतने ही जोन में परफेक्ट हैं। आप ये चीज़ तो समझो, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये जोन है क्रिएट हुआ, यहाँ पे हम परफेक्ट हैं और वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। हमारा ध्यान ये नहीं है कि हम इसमें सही हैं, हमारा ध्यान वहाँ पे है कि हाँ मैं इसमें सही नहीं हूँ, मैं इसको गा नहीं पा रहा हूँ यहाँ तक, या वो बंदा इसको गा नहीं पा रहा है यहाँ पे तो गा ले रहा है, हम इस चीज़ को देखते ही नहीं हैं। तो सबकी एक यूनिकनेस होती है, हर कोई, अब सोचो अब हर कोई उसी तरीके से गाने लगेगा, हर कोई अरिजीत सिंह की तरह गाने लगेगा, हर कोई शान की तरह गाने लगेगा, हर कोई अरमान मलिक की तरह गाने लगेगा, तो वर्सेटैलिटी कहाँ जाएगी, यूनिकनेस कहाँ जाएगी, फिर लोगों को तो, फिर लोग आपको क्यों सुनेंगे, लोग तो नहीं सुन लेंगे ना। इसीलिए यूनिकनेस होनी ज़रूरी है, वर्सेटैलिटी डेवलप करनी ज़रूरी है। और वर्सेटैलिटी कैसे आती है, रियाज करने से। रियाज करने से हमारी आवाज़ पे प्रैक्टिकल होते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं हमारी आवाज़ पे, तो उससे हमें पता चलता है कि क्या मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, किस चीज़ में मैं बुरा हूँ, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इस आप जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उन पर ज़रूर ध्यान देना, और कोई भी ऐसी चीज़ों पर ध्यान मत देना जो कि आपके माइंड को डिस्टर्ब करें। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए।